असल माई नज़वान चीमा वेलकम बैक दिन वीडियो दिस वीडियोज़ अबाउट कैप्टल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ डिस्ट्रिक टू ओवरसीज डिस्ट्रिक टू में इस वक्त जो डिवलपमेंट हो रही है उस हवाले से होता हूँगा फॉर्चुनेटली जो वीडियो है आलमोट तकबा फफ्टीन डेज़ uh, पुरानी है क्योंकि uh, मैं पिछले तक फोर वीक्स से स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई वीडियो अपडेट नहीं कर सका रिकॉर्डिंग हुई थी वीडियो की बट ड्यू टू सर्टन बिजनेस कमिटमेंट्स आई वॉज अनेबल टू मेक एनी रोटीन वीडियो इन शाला मैंने वाले दिनों में ट्राई करूँगा कि जितनी वीडियो ज़्यादा पॉसिबल हो सकें ओवरसीज़ टू के हाले से एग्जेटिव टू के हवाले से ओवरसीज़ वन एक्जेटिव वन ओवरसीज़

आगे आके ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू में यहां पे कनेक्ट करेगा और लेफ्ट साइड पे आपको जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ रही है ये एक ब्रिज बन रहा है जहां पे एक 400 हंड्रेड फीट रोड को कनेक्ट किया जाएगा आगे की तरफ और इसकी सराउंडिंग में जो एरिया आपको ब्राउनिंग नजर आ रही है इस एरिया में इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है ये एक डॉक्टर्स इनक्लेव का एरिया है और एग्जेक्टिव वन ब्लॉक है एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव वन ब्लॉक ए का एरिया है एक्जेक्टिव वन ब्लॉक ए को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया और डॉक्टर्स इनक्लेव के हवाले से भी अभी तक प्रॉपर मैप या इसका लेआउट प्लान अभी तक आउट नहीं किया गया मोस्ट प्रॉब्लली आने वाले दिनों में जब प्रॉपरली इंटरचिंग

वीडियो वो इस पॉइंट पे बेसिकली जो रोड कनेक्टिंग रोड है इस रोड के हवाले से है ये रोड अभी ऑलमोस्ट इस पर है और ये जाके इस ब्रिज से कनेक्ट करता है और इस ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जो रोड होगी वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होगी इस ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के मेन रोड के साथ और इस ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के मेन रोड की कार्पेटिंग काम मुकम्मल हो गया और आगे इनफैक्ट ये वाला जो आ, कुछ एरिया है इस पर लेवलिंग का काम भी हो चुका है तो ये यह यहां से रोड आगे मूव करती हुई इस तरफ से इधर कनेक्ट करेगी और इससे कनेक्ट करती हुई सीधी ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टू में ये जो आपको कुछ लेवलिंग वाला स्टेट पाथ नज़र आ रहा है इस लेवलिंग वाले पाथ पे 400 फीट रोड बनेगी जो आगे मेन जो इंटरचेंज बनेगा मोटरवे पे जो कि तकरीबन इस पॉइंट के आसपास होगा 332 333 पॉइंट जो बनता है वो इस पॉइंट के आसपास बनता है इससे जब कनेक्ट करेगा तो आपको एक क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी इस पूरे मैप की फॉर द टाइम बिंग मास्टर प्लान जो है वो अधूरा है क्योंकि सिर्फ जो लॉन्च किए गए मैप वो ओवरसीज़ वन ब्लॉक का मैप है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का मैप है एग्जैक्टिव वन का मैप है इसके अलावा अभी तक मैप लॉन्च नहीं किए गए बाकी जब बाकी मैप्स लॉन्च होंगे तो इसके बाद एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी कौन सा प्लॉट कौन से ब्लॉक्स कहाँ पर लोकेट करते हैं इनफैक्ट जो लेटेस्ट मैप लॉन्च किया गया है वो इस तरफ यहाँ पे ओवरसीज़ वन ब्लॉक ई के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे हारनी ओवरसीज़ वन ब्लॉक के नाम से मैप लॉन्च किया गया और इसमें इनफैक्ट मैं आपको कुछ डिटेल्स अगर बताऊँ कि इस हारमी ओवरसीज वन के मैप में जो ये वाली रोड्स कुछ कनेक्टिंग रोड्स होंगी यहाँ पर जैसे ये वाला इस इस पॉइंट से डिवाइड होता है ये और इस हारमी ब्लॉक का मैप इसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस जो आने वाले दिनों में आपको मैं इसकी रीसेंट अपडेट्स बना के आपको इस हवाले से अपडेट कर दूंगा जितने भी मेंबर्स ये वीडियोस देख रहे हैं फॉर द टाइम बिंग जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये वाला पॉइंट और इसके पॉइंट के साथ साथ जो एडजस्टेंट एरिया है जिसमें ये वाला सारा एरिया आता है एडजस्टेंट इसके अलावा ये वाला जो डॉक्टर्स इन क्लेव का एरिया है इसमें आपको काफ़ी हद तक स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान विजिबिलिटी होगी ये मोस्ट रिसेंट अपडेट इमेजेस हैं गूगल और सैटेलाइट पर कोई भी इंडिविजुअल से घर बैठ के खुद भी टैली कर सकता है ये जो आपको कुछ स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान नजर आ रहा है यहां पे कुछ नजर आ रहा है और इसके अलावा इस ब्रिज के ऑपोजिट साइड पे यहाँ वाली साइड पे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक ए है उसमें भी काफी हद तक का आपको लेवलिंग का काम नजर आ रहा है इसके ऑपोजिट साइड पर ये वाला सारा एरिया गोल्फ कोर्स में है ये जो गोल्फ कोर्स की डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही है अभी आपको मैं बाकी जो ड्रोन की फुटेज की मदद से तमाम चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अगेन बैक ट्रेल टाइम इस इसको स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं ये वही एंट्रेंस रोड है इसके बारे में आपको मैंने मैप में स्टार्ट में एक्सप्लेन किया गूलर सेटलाइट की इमेज पे कि अभी फॉर द टाइमिंग इस रोड पे भी जो रोड का बनना होता है इनिशियल काम जो होता है उसमें काम हो गया है और इसके साथ आगे जो ब्रिज को कनेक्ट करेगा जो फोर हंड्रेड फीट वाइड रोड होगा उसके सेंटर उसके नीचे से ब्रिज गुजरेगा उसके हवाले से है। अभी आने वाले दिनों में जब इस पर डिवेलपमेंट होगी तो मैं आने वाले दिनों में इसकी तमाम अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगा इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है ओवरसीज़ टू के हवाले से वह है कि ओवरसीज़ टू ब्लाक में आने वाले में इसकी बैलेटिंग कब होगी और इसमें ओवरसीज टू का जो डायरेक्टली लिंक्ड है ओवरसीज टू एक्टिव टू का वो है मोटरवे इंटरचेंज के साथ मोटरवे इंटरचेंज ऑफली आने वाले महीने डेढ़ महीने में जब इसका डिजाइन वगैरह प्रूव होकर आ जाएगा तो उस पर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो मोस्ट प्रॉबली बाई द एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर और दिसंबर ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू और एक्जिकटिव डिस्ट्रिक्ट टू की भी बैलेटिंग हो जाएगी बट इन केस कोई इंडिविजुअल्स ऐसे हों जो अपने ओवरसीज टू ब्लॉक में जिन्होंने प्लॉट लिया हो या एग्जेक्टिव टू ब्लॉक में और वो चाहते हों कि वो जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओवरसीज वन में जो कुछ लोकेशन अवेलेबल हैं वहां पर भी अपना प्लाट को कन्वर्ट करवा के अपने प्लाट पर कंस्ट्रक्शन का आगाज कर सकते हैं ओवरसीज ब्लॉक वन में और टोटल थर्टीन ब्लॉक्स हैं थर्टीन ब्लॉक्स में एफ ब्लॉक को छोड़ के एल ब्लॉक को छोड़ के और आई ब्लॉक जो जो कमर्शल के वाले से है उसको छोड़ के आप किसी भी ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट पे कर सकते हैं आपको पोजेशन की इजाज़त है क्योंकि सोसाइटी ने ओवरऑल तमाम ब्लॉक्स में कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी है तो जिन इंडिविजुअल्स ने भी अपने पेमेंट प्लान को ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू में कन्व बुक किया था प्लाट को वो अपने प्लाट को कन्वर्ट कर सकते हैं में अगर वो अपने प्लॉट्स का पोजेशन लेना चाहते हैं बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लॉन्ग टर्म जाके देखें लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्ट्रिक्ट जितनी प्राइम लोकेशन किसी और ब्लॉक के पास अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ लिविंग एज वेल क्योंकि ये जो ब्लॉक्स होंगे ये नियरेस्ट टू एम टू मोटरवे होंगे और एम टू मोटरवे से नियरेस्ट होने का जो सबसे बेसिक उनको ज्यादा फायदा होगा आने वाले दिनों में कि जब ये इंटरचेंज बनेगा तो मोस्ट एक्सेसिबल जो ब्लॉक होंगे इंटरचेंज से डायरेक्टली वो ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट टू होंगे और इन पे जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न होगा वो एज कंपेयर टू एनी अदर ब्लॉक वो सबसे ज्यादा होगा और जो सबसे ज़्यादा डेफिनेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो आप जिस इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से लिया है तो डेफिनेटली उस डेफिने काफी ज्यादा अच्छा उसे रिटर्न मिलेगा फॉर द टाइमिंग अभी यहां पे मार्केट में जो है प्लॉट उनकी रीसेल स्टार्ट एसाच ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू में नहीं हुई क्योंकि अभी प्रॉपरली उनका ना कोई लेआउट प्लान आउट हुआ है ना प्रॉपरली उनके ऊपर कोई डेवलपमेंट पे मैप पे आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लॉट या कौन सा ब्लॉक कहां पर लोकेट करता है बट आने वाले दिनों में इसकी जब डेवलपमेंट होगी तो इसकी डिमांड में काफी ज्यादा इजाफा होगा फॉर द टाइमिंग जो अपनी स्क्रीन पर फोटेज देख सकते हैं ये Overseas 2 का ये के नाम पे, और इस ब्लॉक में जो आगे डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है के के लेवलिंग का काम तो काफी हो गया है और इसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रीट्स का लेआउट का, प्लान होता है उस पर भी कंस्ट्रक्शन का हो गया, अंदर जो स्ट्रीट्स बनने वाला स्ट्रीट्स जो बनेंगी ब्लॉक के अंदर उस पर भी काफी तेजी से काम जारी है आने वाले दिनों में जब इसका मैप आउट होगा तो मैं चला मैप की मदद से तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा ब्लॉक पांच मरले का कौन सा ब्लॉक दस मरले का कौन सा ब्लॉक सात मरले का है और कौन सा ब्लॉक बारह मरला एक कनाल और दो कनाल के प्लाट्स हैं फॉर द टाइम बिंग ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट के मैप को उस तरह से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है बट आने वाले दिनों में जब इसकी प्रॉपरली मैप लॉन्च हो जाएगा तो तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक ईजी हो जाएंगी इसकी बैक पर आपको जो कुछ बैक पर डेवलपमेंट नज़र आ रही है उधर जहाँ पर वाटर टैंक नज़र आ रहा है यह एक्जैक्टिव डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक बी है और इस ब्लॉक बी के साथ लेफ्ट साइड पर ब्लॉक ए है जिसको अभी तक लॉन्च सोसाइटी की तरफ से नहीं किया गया जब इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग होगी एक्जेक्टिव ब्लॉक है कि तो मोस्ट प्रोबली यहाँ पे कमर्शियल डिस्ट्रिक्स होंगे या इसके अलावा कुछ चीज़ें होंगी जो अपार्टमेंट हाई राइज कमर्शल होंगे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगी मोस्टली क्योंकि गॉल्फपुर के साथ इस तरह के एरिया में सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग रखी जाती हैं जो हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं और इनकी काफी ज्यादा लग्जरी अपार्टमेंट कसिडर किया जाता है क्योंकि इस गोल्फ कोर्स को डिजाइन किया गोल्फ कोर्स ने उसके साथ जो अपार्टमेंट होंगे उनका डिजाइन भी किसी फॉरन कंपनी से करवाया जाएगा तो डेफिनेटली उनकी डिमांड्स काफी ज्यादा होंगी सो विकॉज दिस वॉज इट फॉर टुडे अगर आपको स्मार्ट ट्री बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज